गुरु आपकी हो पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि ये चुनाव उम्मीदवार के साथ में आम कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और वो चुनाव हमारा पोलिंग बूथ पर होगा, मतदान केंद्र पर हमारा कार्यकर्ता जो है कार्यकर्ता है वो पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा के साथ मतदान केंद्रों पर काम करेंगे और दिखावा और फिजूल घूमने फिरने की अपेक्षा हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। हमारा बूथ है रोम रोम में है और मंदिर बनाने का मुद्दा या जो विषय था वो राजनीतिक निर्णय था और वो पूरी बात हो जाए। चारी जी क्यों नहीं गए, मैं ये पूछता हूँ। चारों शंकराचार्य जिन्होंने सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की स्थापना करी, आदि शंकराचार्य जो वापस पुनर्स्थापना भारतवर्ष में हिंदू धर्म की करी, यदि उनके संदेश को, उनके आदेश को, उनके मार्गदर्शन को राजनीतिक नजरिए से निहित स्वार्थ नहीं माना जाता तो हमें जाने के लिए क्यों बाध्य है? दर्शन करने के लिए बाध्य है, हमारे जब हमें मन होगा हम जाएंगे, कार्यकर्ता जा रहे हैं, जिसे जाना है वो गया है, वो जब हमें जाना है हम जाएंगे, पहले भी हम गए हैं वहाँ। तो राम तो हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, हर एक 140 करोड़ जनता जनार्दन के हृदय में है, इसलिए किसी की बपौती नहीं है भगवान राम। राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगने जा रहा है, हमारा संविधान संकट में है, देश का लोकतंत्र जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारतवर्ष को कहा जाता है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े हैं। साथ ही साथ जो हमारा संवैधानिक अधिकार है एक वोट देने का, आज आम मतदाता के मन में ये प्रश्न कौंध रहा है कि ये अधिकार भी सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, या फर्जी मतदान के माध्यम से फिर मैनिपुलेशन कर लिया जाएगा। सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है, राहुल गांधी एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो इन